देश भर में देवउठनी 11 का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के निवास में तुलसी शालिग्राम के विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनता से बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में भारी संख्या में वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील भी की। आज मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से भारत की साख देश दुनिया में बना रहे हैं, सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ भारतीय लोगों के लिए गौरव और गर्व का मौका है। ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हमारी अपनी सरकार के द्वारा किए गए कामों से भी जनहितैषी कई सारे निर्णयों को जनता मानती है। हमारे यहाँ दो उपचुनाव है, बुधनी और विजयपुर। दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी यहाँ हमारे रमाकांत भार्गव जी जो बुधनी में है, वहाँ रामनिवास रावत जी जो मंत्री है, पहली बार श्योपुर जिले को मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और विकास के मामले में इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं हो सकता है। मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि भारी संख्या में मत देकर हमारे दोनों प्रत्याशी को जिताए और महाराष्ट्र और झारखंड भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एक बार फिर सभी उपचुनाव और मुख्य चुनाव सब में चुनाव की दृष्टि से मैं भाजपा के पक्ष में अपील करता हूं कि आप अधिकतम मतदान करें।